हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश सूची योगेश्वर राणा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार की चाल है ताकि महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे से देशवासियों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया है और अब रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली खाने की चीजों पर भारी भरकम GST लगाकर आम जनता पर बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से यह पहली सरकार है जिसने रोजाना इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं पर कर लगा दिया है। पहले ही देश भर में महंगाई चरम पर है। कांग्रेस सरकार के समय 400 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज 1000 से ऊपर मिल रहा है। खाने पीने की वस्तुएं महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। वहीं सोमा देगा गृहिणी ने कहा कि सरकार ने GST लगाकर गरीबों के साथ मजाक किया है क्योंकि 25 किलो आटे के ऊपर कोई GST नहीं लगाई। आम परिवर्तन लोग बाजार से 5 या 10 किलो आटा खरीदते हैं, उस पर GST लगा दी। पहले ही तेल, सब्जी, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिहाड़ी दर मजदूरों को अब जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसे परिवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह विरोध किया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस सचिव योगेश्वर राणा ने कहा कि केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ED समेत अन्य जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से आज तक केंद्रीय राज्य जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को कभी CBI तो कभी ED द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का देश के प्रति अहम योगदान रहा है लेकिन भाजपा सरकार उन बलिदानों को भूलकर कुचलने का प्रयास कर रही है। ये जो खाने पीने की चीजों पे GST लगा करके हमारे आम लोगों पे एक और बोझ GST के रूप में केंद्र सरकार द्वारा डाला गया है, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं क्योंकि आजाद भारत में आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाने पीने की चीजों पे, जो नेसेसिटी डेली यूज की चीजें हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जाए। इससे सरकार की जो मनोस्थिति है वो जाहिर होती है कि सरकार आम गरीब आदमी को, और जो पहले ही सरकार की महंगाई की वजह से, जो सरकार की पॉलिसीज की वजह से लोग पहले ही सड़कों पे आने के लिए परेशान हैं, और उनको अब और जो खाने पीने की चीजों के लिए भी GST देना पड़ेगा, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज अगर आप मार्केट में जाकर सिलेंडर का रेट पूछेंगे तो 1150-1200 रुपए का एक सिलेंडर मिला करता है, और उसके बाद आप हर चीज को ले लें, आप दाल ले लें, आप सब्जी ले लें, आप कोई भी चीज ले लें, वो महंगी होती जा रही है। और GST की मार की वजह से इन्होंने जो ये GST है ये पैक्ड चीजों पे जो ज्यादा लगाने की कोशिश की है, 5% लगाएंगे पैक्ड जो वस्तुएं होंगी, इसकी वजह से भी क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, आम जिम्मेदार आम किसान को इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उनकी चीजें उसी मूल्य से खरीदी जाएंगी और आगे बीच में सरकार अपना मुनाफा और बिचौली अपना मुनाफा रखने के बाद जो आम गरीब आदमियों को वही चीजें दी जाएंगी वो दुगने व तीगने रेटों पे दी जाएंगी। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, ये युवाओं को रोजगार देने में फेल हो चुकी है, महंगाई पे नियंत्रण करने में फेल हो चुकी है। आने वाला समय मेरे को चिंता है कि अगर अच्छी पॉलिसीज हमारी सरकार ना लेके आए, आने वाले समय में श्रीलंका जैसी स्थिति कहीं भारत में उत्पन्न हो जाए, बहुत दुर्भाग्य है। जो ये द्वेष की सोच से जो ये राजनीति की जा रही है, जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको अपनी जो ये चाहे ईडी है चाहे CBI है, जो ये जांच एजेंसियां हैं, इन पर जो ये भारत की सरकार ने जो इस तरह से नियंत्रण करके इनको अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मसार और घटिया नीति है। ऐसा आज से पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, और बाकी आपने देखा ही है पूरा हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के इसका विरोध कर रहा है। मैं, मेरा नाम सोमा देवी है। तो जो ये GST लगा हुआ है आटे दही दूध पे, तो ये सबसे गलत बात है क्योंकि जो आम आदमी है वो इतना कहाँ कर पाता है, 100-200 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपए दिहाड़ी कमाता है और परिवार उनका बहुत बड़ा है। तो जो 25 किलो के नीचे इन्होंने GST लगाया हुआ है तो जो गरीब आदमी है वो 25 किलो की थैली कहाँ खरीद पाता है, ना तो आटा खरीद पाता है, ना वो चावल खरीद पाता है, तो उसके ही ऊपर इन्होंने GST लगा दिया है। तो ये बहुत ही गलत बात है।
आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सबसे खतरनाक बात है। आम लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल है। अब तेल की बोतल लो आप, जो पहले 80-90 रुपए की आती थी वो अब 200 रुपए की हो गई है, और कितने दिन, 3 या 4 दिन चलती है परिवार वालों के पास। और दालें हो गई, दालें 200-150 से नीचे कोई है नहीं। तो 1 किलो दाल एक परिवार में जैसे 5 लोग हैं तो कितना दिन खाएंगे वो। तेल के दाम पहले देखो 450-450 हुआ करता था, तो अब बीजेपी सरकार ने हमारे को दिया कि आप सिलेंडर लो फ्री में सिलेंडर दिए, तो अब वही सिलेंडर बेरोजगार लोग कहाँ से 1100 रुपए में भराएंगे। तो गरीब लोगों का इसमें भी जीना बहुत हराम है। अगर ऐसे ही चलता रहा सर तो बहुत मुश्किल है। महिलाएं तो फिर ना तो अपना घर परिवार चला सकती है, तो इसमें महिलाएं या तो फिर हड़ताल पे उतरेगी या भूख हड़ताल करके कहीं रोड़ों पे बैठेगी, और उसके अलावा उनके पास कोई भी और सहारा नहीं है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।